नमस्कार, मैं हूं अमित आशुतोष। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली। आज हम बात करेंगे गरीबी को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है हिंदुस्तान में, और साथ ही साथ कितना कमाने से आदमी गरीब होता है या अमीर होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। बताइए सलामत जी। बिल्कुल, इसी पर बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ यदि बात की जाए कि किस तरह से गरीब का मजाक उड़ाया जा रहा है और किस तरह से गरीबी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि आखिर किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है गरीबों के साथ। हाल ही में रंगराजन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई गांव में रहता है और यदि वो 33 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, यदि शहर में रह रहा है और 47 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। तो कहीं ना कहीं 47 रुपए यदि आप कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है, एक तरीके से जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। हालांकि ये जो रिपोर्ट है वो पहले जो तेंदुलकर रिपोर्ट पेश की गई थी उससे थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन तब भी जो रिपोर्ट पेश की गई है इस पर कहीं ना कहीं सियासत जो है वो तेज हो गई है। और साथ ही साथ इसी मुद्दे को लेकर आज का हमारा सवाल है, हमारा सवाल भी यही है कि आखिर क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह से रिपोर्ट पेश की गई है, 33 रुपए जो बताई गई है, क्या आप भी संतुष्ट हो, क्या आप रंगराजन की इस रिपोर्ट से संतुष्ट हो। हमारा आज का सवाल यही है कि क्या प्रतिदिन 32 रुपए कमाने वाला ग्रामीण अमीर है, और साथ ही साथ क्या 47 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला शहरी अमीर है। यही हमारा सवाल है। क्या आप रंगराजन समिति से संतुष्ट हो, आप अपनी राय हमें दे सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर या टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है 2824-7135, इस नंबर पर आप हमें अभी संपर्क कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें 32 रुपए कमाने वाला ग्रामीण अमीर है और साथ ही साथ 47 रुपए कमाने वाला शहरी भी अमीर है, इस रिपोर्ट से क्या आप संतुष्ट है, क्या आप मानते हैं कि जो रिपोर्ट पेश की गई है रंगराजन समिति की ओर से, इस रिपोर्ट से आप सहमत हो। आप अपनी राय दे सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर 2824-7135। हमें लगता है कि 15 रुपए का जो आंकड़ा है जी, उसने जो अलग अलग हम दिशा की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, दोनों के बीच का जो अंतर है उसके अंदर जो रिपोर्ट आई है उसका आंकड़ा सिर्फ 15 रुपए है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से हम आज के दौर में कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप गांव में रहते हैं और शहर में रहते हैं तो आपका फासला सिर्फ 15 रुपए हो सकता है, अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो जाहिर सी बात है फर्क जो है वो काफी ज्यादा नहीं है। 33 रुपए 32 रुपए कमाने वाला ग्रामीण अमीर है, गरीबी की रेखा से ऊपर है। 47 रुपए कमाने वाला शहरी भी अमीर है, गरीबी रेखा से नीचे है। कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट पेश की गई है आशुतोष जी, जहां तक बात की जाए तेंदुलकर समिति की जो पहले बनाई गई थी, पहले गठित की गई थी, जिसमें ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी, हालांकि वो रिपोर्ट बिल्कुल भी अब से अलग है क्योंकि उस वक्त 27 रुपए कमाने वाला ग्रामीण जो है वो अमीर था और 33 रुपए कमाने वाला, रोजाना कमाने वाला जो शहरी है वो अमीर था। हालांकि ये रिपोर्ट थोड़ी आगे जरूर बढ़ी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब भी जो रिपोर्ट है वो वाकई संतुष्ट करने वाली है कि हाँ 47 रुपए कमाने वाला अमीर हो सकता है शहर में और गांव में 33 रुपए कमाने वाला जो व्यक्ति है वो अमीर हो सकता है? देश में हर 10 लोगों में से 3 भारतीय गरीब है, ऐसा दावा किया है पूर्व पीएमईसी चेयरमैन सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट ने। रंगराजन समिति ने देश में गरीबी स्तर पर सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि देश में वित्त वर्ष 2011-2012 के दौरान हर तीसरा आदमी गरीब था और 29.5% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। रंगराजन समिति के अनुसार देश में हर 10 में से 3 व्यक्ति गरीब है, जबकि एक साल पहले 2009-2010 में हर चौथा व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आता था। साथ ही उनकी रिपोर्ट के मुताबिक देश में गरीब तेजी से बढ़ रहे हैं। रंगराजन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल में 9.4 करोड़ गरीब बढ़ गए हैं। गरीबी का ये आंकड़ा सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा पेश किए गए आंकड़े से ज्यादा है। योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को सौंपी गई रिपोर्ट में रंगराजन समिति ने सिफारिश की है
कि रंगराजन ने वर्ष 2011-2012 के लिए ग्रामीण इलाकों में 32 रुपए रोजाना और शहरी इलाकों में 47 रुपए रोजाना खर्च करने वाले को गरीब माना है, जबकि तेंदुलकर समिति ने इसी दौरान ग्रामीण इलाकों में 27 रुपए और शहरी इलाकों में 33 रुपए रोजाना खर्च करने वालों को गरीबी श्रेणी में रखा था। रंगराजन समिति के अनुमानों के उलट तेंदुलकर समिति ने कहा था कि 2009-2010 में गरीबों की आबादी 29.8% थी, जो 2011-2012 में घटकर 21.9% रह गई। सितंबर 2011 में तेंदुलकर समिति के अनुमानों की आलोचना के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर दिया था और कहा था कि शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति रोजाना 33 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति रोजाना 27 रुपए खर्च करने वाले परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर समझा जाए। इस पर काफी बवाल मचने के बाद सरकार ने 2013 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित किया। तत्कालीन यूपीए सरकार के लिए राहत की बात यह है कि नई पद्धति के मुताबिक 2004-2005 से 2011-2012 के बीच हर साल औसतन 3% गरीब घटे हैं, जबकि तेंदुलकर समिति के फॉर्मूले के मुताबिक ये दर 2% ही थी। बहरहाल देश में रिपोर्ट के पक्ष विपक्ष तमाम दलीलें दी जा रही है, लेकिन हकीकत फिलहाल अब भी यही है कि देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी भूखे पेट सोने को मजबूर है। आने वाला हर दिन कई लोगों के लिए इतना महंगा साबित होता है कि वे अपने लिए रोटी तक खरीद नहीं पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। क्या आप रंगराजन समिति की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं? यही हमारा आज का सवाल है और हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये जो रिपोर्ट आई है उससे सहमत हैं या असहमत हैं। जो भी आपकी राय है आप हमें फोन कर सकते हैं और हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है 2824-7135। और तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी के बारे में, जो गाँव का हो या शहर का हो, उसका जो एक उसकी जो राशि तय गई है 32 रुपए है गांव का और 47 रुपए। आशुतोष जी, रुकना चाहेंगे आपको हमारे साथ। पहले कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं, भिवंडी से जिलानी शेख जी जुड़े हुए हैं। जिलानी जी, क्या राय रखेंगे आप? क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरह से रंगराजन की जो रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें 33 रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो गाँव में है, ग्रामीण में रहता है, वो अमीर है और साथ ही साथ 47 रुपए शहर में कमाने वाला व्यक्ति अमीर है? नहीं नहीं, मैं तो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ जी। जहाँ तक कांग्रेस ने जिस तरह इसी तरह रिपोर्ट निकाली थी, तो कांग्रेस का भी हाल आप देख रहे क्या हो चुका है आज जी। और दूसरी बात ये, अब जो रंग समिति ने जो अभी नई रिपोर्ट निकाली है, इससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। जहाँ तक देखिए, इतना महंगाई कर चुके हैं कि उस समय सोचते नहीं कि आम आदमी जब महंगाई करते हैं तो उस समय सबके लिए बराबर करते हैं, लेकिन उस समय आम आदमी के बारे में सोचते नहीं। अभी हाल ही में बजट रेलवे का किए थे, इतना इन्होंने किराया बढ़ाया और फिर बाद में कम करके फिर से बढ़ा दिया, तो उस समय सोचते नहीं। और जहां देखिए, अब 35 रुपये शहर की बात कर रहे हैं, आदमी घर से निकलता है तो उसको 10 रुपये के नीचे तो कहीं टिकट नहीं है, कहीं भी जाता है तो। शेख साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए आम आदमी होने के नाते कि अगर गांव का और शहर का जो खर्चा है उसमें एक आदमी को कितना कमाना चाहिए जिससे कहा जा सके कि वो अमीर है? देखिए, अगर एक आदमी दिन का 500 रुपए भी अगर कमा रहा है जी, तो भी वो गरीब ही है। हाँ, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है और गांव और शहर में बिल्कुल, अभी ये एक बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि गांव में कम खर्चा है और शहर में। हाँ, खर्चा वहाँ भी इतना ही है और यहाँ भी इतना ही है। शेख साहब, गाँव और शहर के बीच का जो फासला है वो 15 रुपए का है। हाँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि गांव और शहर में ये जो फासले बता रहे हैं, लेकिन खर्चा तो उतना ही है, सब कुछ उतना ही है। आदमी को सब कुछ खरीद कर ही लेना है और सब कुछ करना ही है, ट्रैवल के लिए उतना ही पैसा पे करना है जितना कि यहाँ भी करके, तो खर्चा तो उतना ही है। लेकिन ये लोग जो निकाल रहे हैं कि 45 रुपए, ये तो मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, एकदम गलत रिपोर्ट है। आम आदमी तो इसमें गुजारा नहीं कर।
चलिए फिलहाल जिलानी जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, जिस तरह से अभी जिलानी जी से बात हो रही थी, उन्होंने कॉलर है हमारे और साथ ही साथ दर्शक है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी राय रखी, उन्होंने जिस तरह से बताया कि 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी गरीब है, कहीं ना कहीं यदि जो चीजें है, यदि एक व्यक्ति दिन में 3 बार खाना खाता है और यदि चावल की बात की जाए तो चावल करीब करीब 40 से 50 रुपए के आसपास में 1 किलो आता है, वहीं दूसरी ओर दाल भी कहीं ना कहीं 100 रुपए के आसपास आता है, तूर दाल जी, और पूरी चीज यदि बात की जाए, पूरी सामग्री की बात की जाए तो पूरा ले दे के 500 रुपए का आंकड़ा जो है वो जरूर पार कर लेगा। ऐसे में जिस तरह की जो रिपोर्ट पेश की गई है 47 रुपए, ये कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं करता है। हमारे कॉलर जिस तरह से जुड़े हुए थे जिलानी जी, उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट पेश की गई है वो उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक बलजीत परमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताज़ा अपडेट्स और साथ ही साथ पूरी जानकारी के साथ जिस तरह से रिपोर्ट पेश की जाती है। इससे पहले भी यूपीए सरकार के वक्त जो रिपोर्ट पेश की गई थी, तेंदुलकर रिपोर्ट जो पेश की गई थी, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, और अब फिलहाल जिस तरह से ये सोचा गया कि उस वक्त तेंदुलकर रिपोर्ट जो पेश की गई थी उससे संतुष्ट नहीं थे और इसी वजह से एक अलग से समिति बनाई गई जिसका नाम जिस तरह से रखा गया और साथ ही साथ रंगराजन समिति रखी गई, हालांकि ये सोचा गया, ये लगने लगा कि अब जो रिपोर्ट पेश होगी वो बिल्कुल सटीक होगी और सही होगी, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उससे कहीं ना कहीं अब भी आम व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक बलजीत परमार जी जुड़े हुए हैं। बलजीत जी, क्या कुछ राय रखेंगे आप? देखिए, इस रिपोर्ट से एक बात बिल्कुल साफ होती है कि सरकारें बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। जमीन पे हकीकत यही है कि महंगाई है और हिंदुस्तान में गरीबी का स्तर पहले से नीचा गया है, ऊपर नहीं गया है। अगर पिछले साल से आज का महंगाई की दर देखें तो जो 37 रुपए से अभी जो 27 रुपए से जो 35 रुपए हुआ है, 8 रुपए का फर्क पड़ा है, उतनी तो महंगाई उससे ज्यादा बढ़ी है जी। देखा जाए तो आज भी हम 27 रुपए से भी कम लोग कमाते हैं, 27 रुपए बहुत कम लोग कमाते होंगे। इसी तरह शहरों में जो 45 रुपए का आंकड़ा दिया है वो पहले से अगर उसकी तुलना करें तो जो महंगाई की दर उसमें मिला लें तो गरीबी का सत्र वही रहता है जो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। इसमें एक आपको इसमें रिपोर्ट में एक और दावा, एक तथ्य पेश किया गया है, वो ये है कि 1972 में सोने का भाव था 160 रुपया पर तोला, सभी तोला होता 10 ग्राम गिन लो आप 1972 में। और उस समय जो दिल्ली सरकार के केंद्र की सरकार का जो लोअर डिवीजन क्लर्क होता तो उसकी सैलरी भी 170 रुपये होती थी महीने की। तो ये कहा जाता है कि 72 में महंगाई की दर जो थी वो एक तोला सोना जो थी वो आमदन थी एक आदमी सरकारी मुलाजिम की जी। और आज 2014 में जो LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क जो है केंद्रीय सरकार में, उसकी सैलरी है 26,000 रुपये और सोने का भाव है 30,000 के ऊपर। तो इतने सालों में जो सैलरी है वो एक तोला सोना ही है। तो रंगाराजन कमेटी ने कहा है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि इससे गरीबी अमीरी का फर्क बहुत बढ़ता जा रहा जी, है जी। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे बलजीत जी, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे कॉलर मलाड से अमर त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ राय रखेंगे आप? क्या आप रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट पेश की गई है उससे संतुष्ट है? देखिए, ऐसा है कि जितनी भी रिपोर्ट चाहे रंगराजन जी की हो या इसके पहले की रिपोर्ट तेंदुलकर जी की हो, इन सारे लोगों की जो समस्या है वो सिर्फ ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि इस देश में गरीब बहुत कम होते जा रहे हैं, गरीबी नहीं जी, गरीब कम होते जा रहे हैं। तो गरीब कम कैसे हो रहे हैं कि जो 47 रुपए शहर में खर्च करे, उससे ऊपर खर्च करे वो अमीर है, जो कम करे वो गरीब है। तो इनका सारा मुद्दा गरीबी को कम करने का तो कहीं है ही नहीं है। तो खाली ये बताना चाहते हैं कि देखो गरीब कितने कम हो गए जी। एक फला 2011-12 में इतने लोग थे, 2011-12 में इतने लोग कम हो गए, गरीब लोग कम होते गए। मुद्दा ये है कि गरीबी पर कोई आदमी सीरियसली काम कर ही नहीं रहा है। और आप मुझे बताइए कि ये कपिल शर्मा का अगर कोई शो हो तो उसमें भी लोग हंसेंगे, नहीं हंसी आएगी इनको अगर कोई ये कहे कि इतने 47 रुपीज में शहर में लोग खर्च करके जिंदा हैं और जीवित हैं। बड़ा मुश्किल काम है ये, बहुत ही मतलब अद्भुत बात है। अमर जी, आप तो शहर में रहते हैं लेकिन गांव का जो खर्च है उसको 32 रुपये बताया गया है और शहर में 47 रुपया, आप कितनी राशि में खुश रह सकते हैं? अगर आपके हम परिवार की बात करें, एक दिन में कितना कमाना चाहिए ताकि हम अपने आज के दौर में अपने घर परिवार की रक्षा कर सकें, उनको चला सकें? सवाल
सवाल यही है ना कि गांव में अगर 100 रुपए एक लेबर को मिल रहा है और उस 100 रुपए में भी वो आदमी ठीक से अपना घर नहीं चला पा रहा है, मुंबई शहर में 350 मिल रहा है, 200 रुपए मिल रहा है, स्किल वर्कर को 350-400 मिल रहा है, यानी महीने के 7,000 से लेकर 10,000 भी कमाने के बावजूद अगर उनका घर का भाड़ा 5,000 रुपए आता है और खाने पीने का राशन, तो शहर में भी लोग नहीं जी सकते, गांव में लोग नहीं सकते। गांव में 100 से लेकर 150 रुपए भी लोग जी नहीं पा रहे हैं, जो वहां का जो लेबर है वो पर डे अगर उसको काम मिल रहा है और कमा रहा है तो कहां 3,500-4,000 रुपए कमाने के बावजूद भी कहां उसका घर चल रहा है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, घर, गाय, बैल सब कुछ आ जाते हैं ना उसमें। तो गाँव के भी हम बेइज्जती कर रहे हैं, शहर के तो कर ही रहे हैं जी। तो गांव की भी बेइज्जती कर रहे हैं और शहर की भी कर रहे हैं। फिलहाल अमर जी अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आशुतोष जी क्या कहेंगे, यदि एक व्यक्ति की बात की जा रही है कि प्रति व्यक्ति जो है वो 47 रुपए यदि कमाता है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, हम भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि इस देश में जितने लोग कमाने वाले हैं उतने ही जो है गृहणियाँ हैं जो घर का काम करती है, हाउसवाइफ्स है, साथ ही साथ महिलाएँ हैं जो घर में ही रहती है। किस तरह से इस आंकड़े को आप देखते हैं, 47 रुपए में यदि एक व्यक्ति 47 रुपए कमाता है तो उस 47 रुपए में क्या वो खुद का पेट पालेगा या फिर अपने परिवार का पेट पालेगा? अगर आप सलामत शुद्ध हिंदी समझते हैं तो मेरी पर्सनली प्रतिक्रिया यही होगी कि असंभव है जी। ये जो राशि है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपके बीवी बच्चे हैं, आप है और मकान का भाड़ा देना है, तो कुल मिलाकर जो पूरा आंकड़ा होता है, बजट होता है, उसका कहीं ना कहीं से प्रयास उड़ाने की बहुत बड़ी साजिश की गई है। निश्चित रूप से आम आदमी जब खुश रहता है तब कहीं ना कहीं से समाज को भी वो अपना योगदान दे सकता है। लेकिन आज हम ऐसे कई परिवार को जानते हैं, देखते हैं, हमेशा हमने कई लोगों की स्टोरी भी दिखाई है कि वो गरीबी रेखा के अंदर भी है, हालांकि कमाई करता है लेकिन उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से मोदी सरकार को इस संवेदनशील विषय को लेकर गंभीर होना पड़ेगा सलामत, और आम आदमी को भरोसा दिलाना होगा कि वाकई आपकी जो कमाई है उससे हम किस तरह से उस पर हम किस तरह से चर्चा कर सकते हैं जी। इसके अलावा एक बार फिर हमारे दर्शकों को हम बता दें कि जो अभी अभी टेलीविजन ऑन किए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि आज का हमारा जो सवाल है वो यही है कि रंगराजन रिपोर्ट की ओर से, रंगराजन समिति की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें यह बताया गया है कि 47 रुपए कमाने वाला शहरी व्यक्ति अमीर है, गरीबी रेखा से ऊपर है, और 32 रुपए कमाने वाला गांव में रहने वाला व्यक्ति, यदि वो 32 रुपए कमाता है तो वो गांव में जो व्यक्ति है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। हमारा सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि जो रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट पेश की गई है उससे आप संतुष्ट हैं? क्या वाकई में आप मानते हैं कि यदि गांव में रहने वाला व्यक्ति 32 रुपए कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और शहर में यदि 47 रुपए से ऊपर कमाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है? आप अपनी राय दे सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर 2824-7135 पर, अभी कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी राय रख सकते हैं। सलामत हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, अमरजीत चौहान नेरुल से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है जी। आप क्या कहेंगे चौहान साहब? नहीं, ये एक्चुअली बहुत बड़ा गंदा सा मजाक है जी। ये हर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आ रही है आज वही कर रही है जी जी। कहीं ना कहीं गंदा मजाक जो है वो किया गया है लोगों के साथ मजाक किया गया है जी। अमरजीत, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ये बताया गया है कि 32 रुपए गांव में कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है और शहर में 47 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंकड़ा पेश करोगे कि यदि इतना व्यक्ति कोई कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा? एक आंकड़ा, एक अमाउंट यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या सोचते हैं कि यदि इतना ही व्यक्ति कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है? बिल्कुल मालिक, कैसा है, अगर स्टेटिस्टिक्स देखा जाएगा, अगर सरकार की, अगर हमें अभी तो ये लोग बंद कर रहे हैं मनरेगा में 160 रुपया आदमी का रोजगार है और एक औरत का 130 रुपया है। अगर वो हिसाब से अगर मैं गरीबी भी देखूं, अगर 130 रुपया कमा रही है औरत, एक घर में, एक परिवार में सिर्फ एक आदमी को काम मिलता है, उसके हिसाब से भी आप स्टेटिस्टिक्स अगर आप जोड़ोगे तो भी एक्चुअली 32 रुपया नहीं जमता है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप गांव में जाओगे, रिमोट एरियाज में, मैं आज ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, कोई रिमोट एरियाज में जाइए जहाँ पर आपको आज रिमोट एरियाज में भी चाय आपको 5 रुपए का मिलता है जी। मैं गरीब और अमीर उस वक्त में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी एक साधारण व्यक्ति भी अगर जाता है तो 5 रुपए का कटिंग है, और अगर वड़ा पाव भी देखेंगे गांव एरिया में तो वड़ा पाव भी कम से कम 6-7 रुपए जी। तो आप बताइए अनाज कैसे मिलेगा आपको, जहाँ पर सरकार बोल रही है 2 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो गेहूँ देगी जी। वो उसमें भी एक्चुअली इतनी बड़ी धांधली है, क्योंकि किसी को ये भी नहीं मालूम है कि एक परिवार को 2 किलो मिलेगा या एक प्रति परिवार को 2 रुपया किलो चावल। चौहान साहब, आपको लगता है कि इस पर सियासत हो रही है गरीबी पर?
बिल्कुल हो रही है, मजाक मस्करी चल रहा है लोगों को। कांग्रेस की भी सरकार हमने देखी, मोदी की सरकार भी हमने देखी, लगातार गरीबों के प्रति जो एक सोच होती है सरकारी सोच। अभी इसका अभी तक एक्चुअली देखिए, मैं इसके ऊपर खुलासा इतना ही मैं बोलूंगा, क्योंकि अभी ये जो बनाया है, जो भी अभी मैं वो आदमी का नाम भूल गया जिसने ये बंदे ने अभी जो रिपोर्ट बनाया, ये हो सकता है पिछला सरकार का ही हो सकता है, कमीशन में नेशनल प्लानिंग में। अभी ये एग्जैक्टली मुझे स्पेसिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि उसका आज का रिपोर्ट पड़ा करीबन 37 मिलियन, उसने बताया कि आर अंडर गरीबी रेखा 37 मिलियन, यानी कि देश की 125 करोड़ आबादी में करीबन 37 मिलियन लोग गरीबी की रेखा में है। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का इशू है, मैं जानता हूँ एक्चुअली इसके ऊपर चर्चा करना बहुत आसान नहीं है, मतलब आया एक, बट इतना ही बोलूंगा कि मजाक है। जी मजाक है। चलिए अमरजीत जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं लोग भी ये मान रहे हैं आशुतोष जी कि ये एक तरीके से मजाक ही है, क्योंकि जो रिपोर्ट पेश की गई है और जो आंकड़ा पेश किया गया है, जिस तरह से अमरजीत जी अपनी राय रख रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि यदि आप गांव में भी चले जाते हैं तो आपको एक चाय 5 रुपए की मिलती है और एक वड़ा पाव अगर यदि कम से कम में पूरे परिवार के साथ अगर खाना खाने चाहे तो कहीं ना कहीं से आप अपने आप में फंस जाएंगे जी, क्योंकि आपका जो बजट है 47 रुपए में, आप खाएंगे क्या, सफर में कितना खर्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं से सवाल यही है कि वाकई ये जो आंकड़ा है 47 रुपए का या गांव में 32 रुपए का, ये किस आधार पे किया गया है, किसी के रिसर्च में कितना दम है। तो कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं। अब बलजीत जी से हम जाने की कोशिश करेंगे कि बलजीत जी ने एक लंबा दौर देखा है, कई अलग अलग अनुभव को उन्होंने शेयर किया है। आज की तारीख में बलजीत जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जो आंकड़े तय होते हैं उसके पीछे तथ्य क्या होता है। जी देखिए, ये पर पर्सन ये अमाउंट गिना जाता है। आप हिंदुस्तान में 5 लोगों की फैमिली को एक आइडियल फैमिली माना जाता है, माँ बाप और उनके 3 बच्चे। जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप बड़े हैं, तो कमाने वाले समझ लो 2 भी हुए, मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, तो 90 रुपये रोज के कमाएंगे, लेकिन खाने वाले घर में 5 हैं, तो एवरेज कम हो जाती है। इनका जो आंकड़ा है वो अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अर्निंग करने वालों की गिनती बहुत कम होती है, खाने वालों की गिनती ज्यादा है जी। तो ये बेसिक फ्लॉ है सर्वे में। इसके अलावा बलजीत जी एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं, अमरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे निरुल से, उन्होंने अपनी राय रखी, उन्होंने ये कहा कि यदि हम गांव खेड़े में भी चले जाते हैं तो वहां पर भी आज की तारीख में एक चाय जो है वो 5 रुपए की मिलती है, और साथ ही साथ यदि वो वड़ा पाव खाना चाहे कोई व्यक्ति तो वड़ा पाव भी करीब करीब 6 से 8 रुपए में मिलती है। तो क्या यही चीजों को देखकर जो है वो रिपोर्ट पेश की जाती है? आप देखिए, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके भाव पूरे देश में एक ही है। अगर पीली दाल बॉम्बे में उसका रेट है तो गांव में भी उसका रेट वही है, क्योंकि मंडियों से जो भाव खुलते हैं पूरे देश में लागू होते हैं। ये कहना कि चीजें शहर में महंगी होती हैं, गांव में सस्ती हैं, ये बहुत गलत बात है। गांव में खर्चा कम सिर्फ रहने का होता है। गांव में जो आपको एक घर जो 500 रुपए महीने पे, 1000 महीने पे किराए पे मिल जाएगा जी। वो शहर बलजी में आपको 5000 रुपए। बलजीत जी आपको रुकना चाहेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर नेरुल से जुड़ रहे हैं, दर्शन भारद्वाज जी। भारद्वाज जी क्या कुछ कहेंगे, क्या राय रखेंगे आप अपनी, जिस तरह से रंगराजन रिपोर्ट की जो समिति की जो रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें यह बताया गया है कि 32 रुपए गांव में कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है, क्या सोचते हैं आप? चलिए संपर्क टूट गया है। इसके अलावा हम बलजीत जी से बात कर रहे थे। बलजीत जी आप जिस तरह से बता रहे थे कि यदि कीमतों की बात की जाए तो चाहे शहर में हो या फिर गांव में हो, सभी चीजों की कीमतें जो है वो एक समान होती है, सिर्फ फर्क जो होता है वो रहने का होता है, क्या कुछ बता रहे थे? हाँ देखिए, अभी जो प्लानिंग कमीशन ने जो लास्ट ईयर कमेटी जो रिपोर्ट दिया था उसमें ये तर्क दिया था कि गांव में लोगों का खर्चा जो है वो बिजली पे पानी पे कम होता है, जो शहरों में आपको पे करना पड़ता है। गांव में बिजली है ही नहीं, आज भी बहुत से 12-13% गांव में बिजली आज भी नहीं है, पानी उनको कुएं का फ्री में मिल जाता है। ये दो चीज़ें इसलिए सस्ती पड़ती हैं क्योंकि उनके पास है नहीं। अगर बिजली मुहैया होगी उनका भी पंखा चलेगा, उनका भी लाइट जलेगी तो उसका खर्चा और बढ़ जाएगा। तो ये कहना कि उनके पास सहूलत नहीं है इसलिए वो कम खर्चे में गुजारा कर सकते हैं, ये बहुत बलजीत जी, बलजीत जी रुकना चाहेंगे, हमारे साथ दर्शन भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। जी दर्शन जी, क्या राय रखेंगे आप अपनी? हाँ जी जी, क्या राय रखेंगे आप जिस तरह से जो रंगराजन रिपोर्ट पेश की गई है, रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट पेश हुई है जिसमें यह बताया गया है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति 32 रुपए यदि कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और 47 रुपए शहर में कमाने वाला व्यक्ति यदि कोई कमाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, क्या कहेंगे? 47 रुपए कमाने वाला गरीबी रेखा से ऊपर है जी, मतलब गरीब नहीं है।
हाँ गरीब नहीं है, गरीबी रेखा के ऊपर है, लेकिन इतना तो है कि चलो कुछ तो बढ़ोतरी हुई उसमें। पहले तो ऐसा हालत था कि 27 रुपए 32 रुपए दिया हुआ था तो आदमी बिल्कुल ही मरे हुए हालत में था। अब कम से कम मोदी सरकार आई है तो उसमें कुछ तो उसमें बढ़ाया है गरीबी रेखा के ऊपर वालों को, उनको कुछ तो फायदा हुआ होगा उसके लिए। क्या क्या बोलते हैं आप जी? लेकिन क्या आप जो रिपोर्ट पेश हुई है क्या आप उससे संतुष्ट है? क्या आपको लगता है कि जी हाँ बिल्कुल सही रिपोर्ट पेश हुई है, 47 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अमीर है? जी हाँ संतुष्ट है उससे, कुछ एक हद तक संतुष्ट है जी, लेकिन ये और आगे जाना चाहिए और ऊपर उसका अमाउंट बढ़ना चाहिए थोड़ी और ज्यादा। भारद्वाज साहब पिछले दिनों जो घोषणा की गई थी, वादा किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, ये राशि जो है वो उससे देख के आपको लगता है कि वाकई अच्छे दिन आ रहे हैं या आएंगे? बिल्कुल सर जी, अभी कितने दिन हुए हैं, मेरे ख्याल से अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ और पिछले 60 साल का ये जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ रिपोर्ट जो है वो पिछली सरकार ने ही मेरे ख्याल से बनाई हुई थी, जो कमेटी बनाई थी तो अभी उसी कमेटी के ऊपर ये सरकार का कुछ प्रेशर आया है जिस वजह से इसमें कुछ ना कुछ तो अमाउंट बढ़ा है आगे जी। कुछ तो अमाउंट बढ़ा है, ABCD कुछ परसेंट तो बढ़ा है, कम से कम गरीबी रेखा रहने वालों का कुछ अमाउंट बढ़ा है तो उनको कुछ तो फायदा होगा जी। अब ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो अच्छे दिन आने वालों की बात की है तो 1.5 महीने में तो इसका आकलन नहीं कर सकते है ना जी। बिल्कुल है कि नहीं? चलिए तो उम्मीद जी, समय देना चाहिए ना सरकार को। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन जो है बहुत जल्द आ जाए। फिलहाल दर्शन जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं यदि व्यक्ति की बात की जाए, हर कोई अपनी राय रखता है, हर किसी की राय अपनी ओर से होती है और व्यक्तिगत राय जो है वो होती है। किसी ने कहा कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, किसी ने कहा कि ये एक तरीके का मजाक है, किसी ने कहा कि वो जो आंकड़े है उससे संतुष्ट है। फिलहाल देखना होगा कि अब ये जो आंकड़ा पेश किया गया है इस पर कितना सियासत जो है वो गर्माता है। फिलहाल हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक बलजीत परमार जी जुड़े हुए थे। बलजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आशुतोष जी जाते जाते क्या कुछ कहेंगे? देखिए अब सरकार के ऊपर सारा दारोमदार है जी कि आम आदमी की भावनाओं को वो किस तरह से संवेदनशील समझते हुए उठाती है, क्योंकि आम आदमी इस राशि से कहीं भी बिल्कुल असंतुष्टि नजर आएगा क्योंकि ये राशि बहुत कम है आज की तारीख में जी। जी ये राशि बिल्कुल कम है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मुझे अरविंद राजतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शोरे मगनों सुनकर तुझ तक मैं दबा।